24 इंटू 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। खबर शाहजहांपुर से है, यहां पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट का आरोप पुलिस कर्मियों पर लगा है। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया और पुलिस का पुतला भी फूका। मौके पर भारी पुलिस बल भी हालांकि मौजूद रहा। वहीं प्रदर्शनकारी जो थे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। थाना सदर बाजार क्षेत्र के टाउन हॉल ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है। यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के सदर मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट की है। सदर मंडल अध्यक्ष देवाशीष पांडे का कहना है कि वह अपने घर से वापस होटल लौट रहे थे, उसी दौरान सड़क पर एक राहगीर गिरा पड़ा था जिसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे और वहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने तमाशा देख रहे थे। जब उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से पीड़ित की मदद करने को कहा तो पुलिस ने देवाशीष के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पूरे मामले के बाद गुस्साए समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया, नारेबाजी की गई, काफी देर तक हंगामा हुआ और पुलिस का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी आरोपी पुलिसकर्मियों के साथ खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि घंटों तक चले इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाई साहब, मेरा नाम देवाशीष पांडे, मैं अपने घर से होटल आ रहा था महाकाली पैलेस। मेरे पिताजी का होटल है महाकाली पैलेस, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है वहाँ पे। मैं अपने घर से आ रहा था, यहाँ पे एक आदमी जो है जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, उसे चार पांच लोग जो है मार रहे थे। मैंने उस मतलब वहाँ पे दो तीन जो चीता वाले खड़े हुए थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब इन्हें मतलब आप यहाँ खड़े हुए हो, आप क्यों मतलब खड़े हो के मतलब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मतलब अगर किसी व्यक्ति का अगर मैं सहयोग करता हूँ, अब उसे मार रहे हैं, मतलब आपका पुलिस का मोहल्ले कर्तव्य क्या बनता है ये? उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब इन्हें बचाते क्यों नहीं हो आप? मतलब उन्हें उन्हें बचाने की जगह पे जो है मेरे ऊपर हाथ चलाना शुरू कर दिया भाई साहब। मुझे यहाँ से मारते हुए नीचे ले गए, वो नीचे मेरा स्टाफ मिल गया। मतलब स्टाफ तो मतलब मैं अगर वहाँ पे हूँ तो मेरा स्टाफ मेरा बिल्कुल आ गया, तो उन्होंने मुझे छोड़ा। मतलब उनकी जो सोच थी वो ऐसी थी, मुझे आपको मारा ऐसा था भाई साहब। उस मतलब कैंट चौकी के दो तीन लोग थे, एक का नाम था पंकज, हम उन्हें जानते अच्छी तरीके से। मतलब ये मतलब हमने उनसे कहा भी, मैंने कहा मैं भाई साहब मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का सर मंडल का, लेकिन उन्होंने मेरी बात कोई नहीं सुनी। ऐसा था भाई साहब, एक आदमी व्यक्ति गिरा हुआ था, उसकी स्कूटी खड़ी हुई थी, उसे वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। कौन लोग मार रहे थे? कैंट चौकी के लोग थे भाई साहब, और मतलब दो चार लोग और थे व्यक्तिगत, पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले खड़े हुए थे उनके सामने मार रहे थे भाई साहब। ये कौन सी बात होती है आप इस भाई? मेरा नाम व्यवहार शर्मा, मैं दोनों मंडल का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा से। सदर मंडल के युवा मोर्चा देवाशीष पांडे के साथ बदतमीजी हुई है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे चीखा पुकारी, आदमी चिल्ला रहे थे, देवाशीष पांडे जी यहाँ पे देखने आए क्या हुआ, पुलिस वालों ने उनके ऊपर हाथ चलाया और उन्हें भगा के मार रहे थे। ये बदतमीजी यहाँ घसीटा उन्हें, हमारे प्रशासन के साथ होता है।